इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी पर। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। ना मुंह छुपाकर जियो और ना सर झुकाकर जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा कर जियो। बिल्कुल, साहिर लुधियानवी के ये बोल आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उस पर मेल खाते हैं। और जीवन में कितनी भी परेशानियां, बीमारियां, दिक्कतें आए, उनका मुकाबला सिर उठाकर करना चाहिए। यही तरीका है मुश्किलों को आसान करने का। फिर मुश्किल चाहे रीढ़ से जुड़ी हो या कोई दूसरी बीमारी क्यों ना हो, जिसमें ना तो सिर झुकाते बनता है और ना ही सिर उठाते, हालत ऐसी हो जाती है कि उठना, बैठना, चलना, फिरना, यहाँ तक कि हिल पाना भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल अमित, इंसान की पर्सनालिटी की पहचान भी रीढ़ से जुड़कर ही आती है, नहीं तो लोग स्पाइनलेस कहते, देर नहीं लगाते। इससे आप ये समझ सकते हैं कि शरीर में रीढ़ की हड्डी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। दरअसल स्पाइन के बीच से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड से नर्वस सिस्टम और ब्रेन जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, लिवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन भी स्पाइन के दम पर ही टिका हुआ है। इसलिए शरीर की तमाम बीमारियों की जड़ भी स्पाइन है। बिल्कुल मीनाक्षी, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, एंकलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्लिप डिस्क हो, वर्टिगो या फिर साइटिका पेन, ये सब स्पाइन से जुड़ा हुआ है। और एक्सेस वेट, इंजरी, स्मोकिंग और गलत पॉस्चर में स्पाइन प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। मतलब ये कि आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर आपकी स्पाइन पर थोड़ा सा भी जोर आता है या वो थोड़ी सी भी गड़बड़ाती है तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आपकी रीढ़ जितनी मजबूत होगी आप उतने ही यंग रहेंगे। ऐसे में स्पाइन को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा, आज दर्शकों की डिमांड पर एक बार फिर से स्वामी रामदेव हमें ये बताने वाले हैं, ये सिखाने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपका स्वागत है, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम अमित भाई, मीनाक्षी बहन, आपको। और आज हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक रीढ़ की हड्डी के वो 33 के 33 वर्टिब्राज, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, एंकलॉजिंग स्पोलाइटिस, स्लिप डिस्क के शैटिका लोमल स्पोलाइटिस, बैकेक के सारे वो तौर तरीके, जिससे कि आप सब प्रकार के दर्दों से निजात पा सकें। तो सबसे पहले हम ये कटिबस्थी और ग्रीवाबस्थी, गर्दन के पीछे ये उड़द के आटे से एक घेरा बना लिया जाता है और इसको अच्छे से नीचे से बंद करके और इसके अंदर गरम गरम ये महानारायण तेल, पीड़ांतक तेल, बला तेल, इनसे ये गरम गरम तेल से ऐसे मसाज देते हैं। इसके बाद आगे आपको और ले चलते हैं। ये तो एक तौर तरीका हुआ, ऐसे दूसरे तौर तरीके अपनाते हैं। साथ में योगासन तो करते ही हैं, वो तो मीनाक्षी बहन भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और खड़े होकर के भी अर्ध चक्रासन और ये पोटली मसाज बोलते हैं, पत्रपिंड मसाज भी, पोटली मसाज भी, बालुका से भी करते हैं और तेल के अंदर कल्क बना करके औषधियों का, निर्गुंडी, रासना, गिलोय और जो हम पीड़ांतकवात में जिन औषधियों के बारे में कई बार हमने बताया हुआ है, इन सब का पेस्ट बना करके और उसके गरम गरम तेल से ऐसे ये पत्रपिंड मसाज या पोटली मसाज जिसको कहते हैं, इसको करते हैं। ये सारे वातनाशक उपाय हैं और पूरे शरीर पर अभ्यंग बोलते हैं। अब अलग अलग उम्र के लोग हमारे साथ हैं, उनके हमने इन रोगों को मिटा दिया है। आपकी उम्र कितनी है? 72 के हैं। तो कहाँ दर्द था? कमर में। तो कमर में दर्द आ गया था, अब 72 में भी इनको हम अब दौड़ाते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे पैरों में, हाथों में, पीठ पर, ये अभ्यंग कहते हैं। तो ये स्नेहन और स्वेदन, स्वेदन इसको कहते हैं कि जैसे जो रासना है, निर्गुंडी है और तमाम तरह के पारिजात है, उन औषधीय द्रव्यों को लेकर के प्रेशर कुकर में डाल दिया, प्रेशर कुकर में डाल करके और फिर वो वाष्प बना दी, वाष्प बना करके और फिर इसके अंदर आदमी को बैठा देते हैं। तो उससे पूरा का पूरा ये स्टीम जब लगता है तो उसके सारे रोम कूप खुल जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन इतना जबरदस्त हो जाता है। और ये
ठंडा गर्म सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, एक बर्तन में ठंडा एक में गर्म पानी ले लिया और वो दोनों गर्म और ठंडा पानी लेकर के ऐसे देखो ये इसको लगा रहे, तो ये एक बार गर्म एक बार ठंडा, तो ये ऐसे दो पानी रख लिए और उससे इसकी सिकाई कर दी, तो ब्लड का सर्कुलेशन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। बातें छोटी छोटी है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अब इसके भी कमर का कबाड़ा हो रखा था, कितने सालों से कमर दर्द था? 5-6 साल से। अब ये सारे दर्द किस प्रकार से दूर होते हैं, ये तौर तरीके ट्रीटमेंट के उनका थोड़ा सा हमने प्रबोधन दिया। अब आगे ये कैसे दूर करना है, ये आसन खड़े होने से लेके बैठने से लेकर के उल्टे लेटने से लेके सीधे लेटने से लेकर के सारे आसन करके और प्राणायाम करके जिन्होंने अपने रोग दूर कर लिए, मेरे साथ एक लंबी यहाँ पर कतार है जो है, इसमें सबसे पहले क्या नाम है? हीरावंती। आइए तो, और ये बाकी सब ऐसे ही है। ये बहन ने तो इतना, दूसरी बहन को तो इतना दर्द हो गया था, वो तो बोली कि स्वामी जी मैंने तो सोच लिया था कि अभी शायद सुसाइड करना पड़ेगा, इस जीवन से अब छुटकारा ही मिल जाए तो ठीक है, इतना दर्द था और दूर कर लिया। हमारे आर्मी में भाई कंप्यूटर उसमें आईटी में काम करने वाले इन सब ने अपने अपने दर्द मिटा लिए। चलो शुरू करते हैं, आपका कमर का एक तो स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं यहाँ से। और आपकी उम्र कितनी है? 69 70 की होने वाली है। और कहते हैं कि 70 की उम्र में योगा अभ्यास नहीं किया जा सकता। गर्दन में बहुत सीवियर पेन था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, और चक्कर भी आते थे। और कितने डॉक्टरों को बताया, और फैमिली में ऐसा था कि ये डॉक्टर ही अच्छा कर सकते हैं, ऐसा समझ रहे थे। तो इनकी परेशानी सुनकर ऐसा लगता है कि स्वामी जी आप 5 ऐसे उपाय बताए दीजिए जिससे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फिट रहे। जब योगा प्राणायाम की शरण ली और राम स्वामी जी आपका सब सुनी और वैसी करे तो आज एकदम फिट हूँ। तो आज ये बहन तो अब 69 साल 69 की उम्र में पूरी इतनी स्वस्थ है कि 50 की लग रही है। और ये करो देखो ताड़ासन और ये कटी चक्रासन, ये कमर के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। किसी को दाएं और किसी को बाएं और पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर की पसलियों में दर्द होने लगता है। छोटी छोटी बातें हैं जो हम मिस कर जाते हैं, इसलिए आज आपने कटी चक्रासन सिखाया है, तो थोड़ा सा हम इसमें समझना चाहेंगे कि पांव में फासला कितना होना चाहिए, क्या शोल्डर लेंथ में ये फासला होना चाहिए या इससे ज्यादा भी पांव खोले जा सकते हैं? इसमें करीब 1.5 से 2 फीट का फासला पैरों में रहेगा तो इससे बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। आराम आराम से और सामने छाती जितनी चौड़ी छाती उतना हाथों में ऐसे फासला ऐसे करें। फिर अब देखो बहुत इजी आसन है। अब भाई अमित ने 5 कहे थे, मैं 15 बताऊंगा, इसमें 5-6 जो कर लेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्वामी जी। ऐसे और ये जो मेरे साथ हैं इन्होंने तो अपनी कमर दर्द अच्छी कर ही ली है, जो जितना कर पाए ऐसे। किसी को वर्टिगो हो तो ध्यान से करना, और इसमें भी करीब 1.5 फीट का फासला रखना जिससे बैलेंस बना रहे ऐसे। और वैसे मैं एक आसन 5 मिनट करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन जब अब देखो ये गर्दन में कंधों में दर्द है तो ये अभ्यास कर लेना। जब कमर में बहुत अधिक दर्द होता है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, स्लिप डिस्क, शैटिकल लोमर स्पोलाइटिस, सिंकुलोजिक स्पोलाइटिस, तो 5 मिनट कोई भी आसन ना हो पाएगा, तो 5-10 सेकंड से शुरुआत करें। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और आज अभी देखते देखते आप देखेंगे अभी करते करते ही आपका दर्द कम होने लगेगा, और धीरे धीरे 1-2 सप्ताह में और मैक्सिमम 1 महीने में, क्योंकि यहाँ तो हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, सुबह से शाम तक खाली गिलोय का, निर्गुंडी का,
रासना का पारिजात का ही हम पानी पिलाते हैं, गिलोय निर्गुंडी रासना पारिजात का ही पानी पिलाते हैं। उनको शुगर नहीं है तो द्राक्ष या खजूर का ही कल्प कराते हैं, शुगर है तो खाली लौकी का सूप ही उनको और बॉइल्ड वेजिटेबल ही देते हैं, दही छाछ नींबू चार टमाटर सब बंद कर देते हैं। और उनको बस्ती जो आपने अभी ग्रीवा बस्ती कटी बस्ती दी थी देखी, ऐसी बस्ती के साथ साथ दस मूल क्वाथ से पीड़ान तक क्वाथ से अरंड तेल डाल करके उससे भी बस्ती देते हैं। तो बस्ती जो है कमर रोगों में जितने भी कमर दर्द के रोग हैं मेरुदंड के रोग हैं इनमें जबरदस्त फायदा करती है। अभी सूक्ष्म व्यायाम करते करते मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूँ जी, जिनको भी दर्द हैं उनको परहेज भी पूरा करना, उनको वजन नहीं उठाना। एक हमारा यहाँ आर्मी वाला भाई है, उसने वजन उठाया आर्मी में, उसको दर्द हो गया था लेकिन उसने योग के द्वारा अपना मिटा लिया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, तो इस प्रवीण ने क्या उठाया था बेटा? अभी आर्मी में आर्मर कोड CIH के अंदर था, तो उसके अंदर जब हम कुछ सामान लेके आते थे तो टैंकों का काम है पूरा, तो भारी भारी सामान उठाते थे। उसमें एक बार डीजल की बैरल उठा रहे थे हम, तो उस समय उठाते टाइम मेरे कमर में ऐसे अकड़न पूरी हो गई, अकड़ गए थे। तो उसके बाद जब एमनेशन उठाते थे बहुत ऐसा काम था जिससे भारी के कारण मेरी कमर में पेन हो गया था, तो मैंने फिर एक महीने की छुट्टी ली और फिर घर पे स्वामी जी का प्राणायाम किया और आसन किए। अब कैसा है? अभी बिल्कुल ठीक हो गया स्वामी जी, पूरा भी सैनिक हमारा योद्धा दोबारा से लड़ने के लिए तैयार है। और इसके बगल वाली नहीं तो क्रिएटिनिन, इसको क्या हुआ था बेटा तुम्हारा? मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। इसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, पहले एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, इसकी माँ ने इसको किडनी दान दिया था और दोबारा क्रिएटिनिन बढ़ गया। अब पहले इंडिया टीवी देख के किया घर पे, अब यहाँ के किया, अब कितना हो गया तेरा क्रिएटिनिन? मेरा चार दिन में ही 1.1 हो गया है, आज ही टेस्ट आया है। जोरदार अभिनंदन हो जाए, नहीं तो ऐसे। अब ये पहले दिन आई थी तो रो रही थी कि मैं स्वामी जी दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहती, किसी की और की जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहती, लेकिन इसने हौसला रखा जी, और अब ऐसे ही मेंटेन रहेगा तेरा जी, अब ये खुश है जी। और मेरा कमर दर्द भी अब बहुत आराम हो गया है। कमर में भी दर्द था जी, मिट्टी पट्टी ये गर्म ठंडा सेक और पोटली मसाज, गरम तेल से मसाज, ये सब करने से मेरा बहुत रिलीफ हो गया है आज। और चल बहुत आशीर्वाद, बैठो। अब देखो घुटने पर ऐसे बैठ कर के वज्रासन में, तुम तो बहुत अच्छे से बैठ पा रही हो, घुटने में दर्द भी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये 69 साल में क्या नाम है? हीरावंती। हीरावंती ने हीरा बना लिया, हीरा जैसा ये मनुष्य का जन्म मिला, कोड़ी भाव गवा दिया हमने, हीरा जन्म अमोल रे तुम माटी में ना। स्वामी जी हम जैन है, जैन। तो ऐसे ये उष्टासन कुछ कह रहे थे अमित भाई जी, स्वामी जी क्योंकि आप बताएंगे अभी करीब 10 से 15 जो अभ्यास है जिससे रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो ऐसे में गर्दन और रीढ़ की हड्डी कई बार ऐसी होती है झुक जाती है और सिर ऊपर उठकर देखना भी और सीधा चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं स्वामी जी? अब देखो जो आसन बता रहे ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, उष्टासन। जो उष्टासन ना भी कर पाए कई बार ये ऐसे हाथ भी नहीं ले जा पाते, तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसे ही हाथ लगा लें ऐसे, और ऐसे आराम से पीछे की तरफ जाएं। मैंने कई बार अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है ये अर्ध उष्टासन, उष्टासन अर्ध चंद्रासन, कि एक बार क्या दो तीन बार मुझे खुद भी कमर में भयंकर दर्द हुआ हुआ है। अब ये फिर उल्टे लेट जाएं देखो, और मैंने अपना स्लिप डिस्क ऐसे लेट जाओ, मैंने अपना स्लिप डिस्क योगासन से ठीक किया है। अब यहाँ ये तो हीरा बहन तो बड़ी उम्र वाली थी जिसने अपने हीरे जैसे शरीर को, अब 70 की हो जाएगी अगले साल, इसने अपनी कमर को अच्छा कर लिया, नहीं तो सोचते हैं बड़ी उम्र में तो कमर दर्द होगा ही होगा। अब ये बड़ी खुश है अत्यारे स्वामी जी, कई लोगों की तो गर्दन झुक जाती है, रीढ़ की हड्डी भी झुक जाती है। उस रीढ़ की झुकी हुई हड्डी को कुबड़ापन बोलते हैं आम लोक भाषा में, आजकल अंग्रेजी में उसको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस कहते हैं, वो कुबड़ापन झुकी हुई गर्दन
और कई बार गर्दन ऐसे दाएं बाएं भी नहीं घूम पाती, तो उसके लिए भी आज ये आसन बता रहे हैं। इनको ध्यान से देखें और ऐसे ही रोज इनको अभ्यास करें। तो जो आईटी के फील्ड में काम करते एक बच्चा है यहाँ पर आईटी वाला, इधर हीरा बहन तुम्हें त्या जाओ, अपने पोतन आसन ऊपर जाओ, यह नीचे जाते रहो, अपने आसन पर चले जाओ। ये दूसरा आया आईटी वाला, हैं तेरे को कब से दर्द हो गया था, इधर इधर आ जा, उल्टा लेट आसन करता करता ही बता। भुजंग आसन आराम से करना। कब दर्द हो गया था बेटा? बाबा जी मुझे 2017 में बहुत जोर से दर्द हुआ। कंप्यूटर में 20 साल से काम कर रहा हूँ, पूरा काम मेरा सुबह से शाम खाली कंप्यूटर में बैठे बैठे होता है, तो पूरा कमर में और ये फ्रोजन शोल्डर्स हो गया था। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ये मसल रिलैक्सेंट वो रिलैक्सेंट खिला खिला के हुआ। तो फिर मेरा पिताजी आपके बहुत बड़े वो हैं भक्त, मुझे पहले तो लग नहीं रहा था कि ये सब चीज़ योगा से ठीक हो सकता है। फिर अल्टीमेटली उनके बात सुन के हमने आपका चैनल देखना शुरू किया। आपके पिताजी भी तो यहीं बैठे, पिताजी भी आए हुए हैं। ये पिताजी भी यही है और बाप भी है, बेटा भी यही है। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी तो उनको ले कर आए हैं, सिर्फ मेरा तो कमर दर्द, अब तो भूल भी गया कि कैसे होता है। अच्छा ये भूल गया, पहले कमर दर्द ही याद रहता था। देखो इतना दवाई खा के एक तो ये ऐसे साइड में हाथ, दूसरा ऐसे ऐसे। कितने कितने बार करते थे भाई? हमने तो शुरू किया था 10 से, फिर बढ़ा बढ़ा के 30-40 बार किया, फिर ऐसे 10 से 40 बार तक। क्या बात है! अब देखो दोनों पैरों में फासला, अब गर्दन भी नहीं घूम पाती, तो ये अभ्यास करें। इसमें आपको प्रेशर भी बड़ा जबरदस्त है, वो आज भी आज बताएंगे। ये पंच अंगुलियों में पंच तत्व हैं, अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, नामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की चिकित्सा हम यहाँ करवाते हैं। ऐसे गर्दन को आराम से पहले तो थोड़ा थोड़ा ही घुमा पाते हैं, उस कंधे के ऊपर से पीछे अपोजिट साइड की पैरी केड़ी को देखो भैया, ऐसे ऐसे। तो पंच महाभूतों से ये पिंड और ब्रह्मांड है, द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स। देखो भुजंग आसन किया, अब सलभासन करते हैं। ये एक्यूप्रेशर भी आज बताने वाले हैं और वो भी ज़बरदस्त है। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए तो हमने पीड़ानिल स्प्रे, पीड़ानिल लेप, पीड़ानिल पीड़ांतक ऑइंटमेंट ये सब भी बताया हुआ है। घर में तेल कैसे बनाना ये भी सब बताया हुआ है। और पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिट खाने के बाद खाएं, अथवा गिलोय घनवटी खाली पेट खाएं, खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, त्रोदशा गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल या यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो फिर गोक्षुरादि गुग्गुल ले लें। और जैसे इस भाई ने 20 साल काम किया करते करते, अब यह हाथ सामने करो बेट भाई, और दूसरा हाथ पीछे कमर के ऊपर रख लो, सामने से दाएं हाथ, पीछे से बाएं पैर उठाना। देखो ऐसे सीधी सीधे उठाओ, ऐसे 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 हाथ उठाओ, ऐसे हाथ सीधा उठे, कोशिश करो। फिर दूसरी ओर से एक हाथ सामने ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, और सीधे सीधे ऐसे उठाना आराम आराम से, तो पूरा बैलेंस बनता है ऐसे, है ना। अब दोनों हाथ पीछे रख लो, आराम से उठाना। तो मैं कह रहा था जिनको भी दर्द है वो सुबह से शाम तक गिलोय का पानी पिए, सुबह शाम पीड़न तक क्वाथ का पानी पिए, निर्गुंडी का, रासना का, गिलोय का पानी पिए, और एलोवेरा ये भी जबरदस्त वातनाशक है, हड्डियों को मजबूत कर देता है। दोनों तरफ से उठा दिया, ये सलभासन के अभ्यास किए। थोड़ी देर एक आसन में ऐसे 10-20 सेकेंड रुके, धीरज पूर्वक करें। आज करते करते ही पूरी रीढ़ की हड्डी सेट हो जाएगी, अपसेट है रीढ़ की हड्डी, और बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी सब की सेनर्जी नहीं है, अपसेट है। हम सुबह सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे रात भर की गड़बड़ सुबह सुबह ठीक कर देते हैं, दिन भर की गड़बड़ शाम को ठीक कर देते हैं। सुबह 8 बजे शाम को 5 बजे सबको योग सिखाते हैं जी स्वामी जी, सीधे लेट जाते हैं। चलो जाओ, अब ये पूरा ठीक हो गया जवान। क्या नाम बेटा? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता जाओ स्वामी। देखो एक और चीज आपसे जाननी थी, मेरे साथ साथ करना ये। देखो हाँ भाई,
हाँ, तो कई लोगों को स्वामी जी नेक बैंड, तो कहीं पर नेक पे जो बैंड लगाते हैं, और कई लोगों को तो कमर और पीठ पर बेल्ट लगाने की आदत पड़ जाती है, तो किसी चीज के सहारे रहना कितना सही है, या इससे तो मसल्स भी कमजोर हो जाते होंगे और खतरा भी रहता होगा इसका? देखो, ये कमर की बेल्ट, ये गर्दन की बेल्ट आजकल लोगों को खराब ना लगे इसलिए मैं बोलता नहीं। पहले तो मैं बोलता था, भाई ये कुत्तों की तरह क्यों गर्दन में लपेटे फिरते रहते हो, तो ये जो है अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करें, दर्द हो जाता है तो उनको लगता है कि उससे मसल्स बोन्स थोड़ा सा एक रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे, आगे बैंड नहीं होंगे, लेकिन वो आज से ही उनकी बेल्ट उतर जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। अभी हमारे साथ साथ अभी शुरू कर दें, इसके दो राउंड कर लें सुबह शाम। अभी जैसे एक बार किया, फिर एक बार बीच में शवासन करके दोबारा से यही अभ्यास दोहरा लें जो भाई बता रहे हैं, आराम आराम से करने। रीढ़ की हड्डी के अभ्यास ऐसे फास्ट नहीं करने कि ऐसे किया फिर ऐसे किया ऐसे किया, ऐसे नहीं। वो तो मोटापा वाले उनको फास्ट फास्ट कराते हैं, आराम आराम से अभ्यास करें। आज से बेल्ट छूट जाएगी, और अभी इसके बाद एक्यूप्रेशर भी बताने वाले हैं, वो अभ्यास करें सब, एक्यूप्रेशर करें। खान पान में जो अभी हम दही छाछ निबोसा टमाटर खट्टाई बंद की उसका ध्यान दें। मसल्स वीक हो गए तो स्प्रिलुला ले लें, इमोनोग्रिट ले लें, अश्वगंधा शता और सफ़ेद मूसली, जीवक ऋषभक रिद्धि वृद्धि मेधा महामध काकोली क्षीर काकोली विदारी कंद वराही कंद, ये सब जो हम बताते हैं, इम्यूनोग्रिट पाउडर ले। जिनको बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ कमजोर हैं तो विटामिन डी बी 12। अब देखो मरकटासन के तीन अभ्यास है, पहले में घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में ऐसे दूर ऐसे, और तीसरे में पैर सीधे हो जाएंगे, और इसको अभ्यास को करें। विटामिन डी, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इनकी कमी के कारण से भी ये हड्डियों के रोग हो जाते हैं, सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन, कोबड़ापन, एंक्रोजिंग स्पोनाइटिस, फिर ये एक एक संधि में भी फिर ये दर्द होने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, अभी जैसे हम सूर्य उदय हो चुका है, आज थोड़े बादल थे लेकिन अब सूर्य का प्रकाश अच्छा आ रहा है, सूर्य की धूप में किया करें, तो उससे सूर्य अक्षय ऊर्जा का स्रोत है विटामिन डी, जो हमारी स्किन के नीचे वाली लेयर में होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, उससे फिर बी 12 भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने लगता है। जब सूर्य की घंटी हम जो है सुबह सुबह अपने गार्डन में छत के ऊपर बैठ करके अभ्यास कर लें, अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन और कटुत्तानासन करेंगे आज हम। अब इससे विटामिन डी, विटामिन बी 12, कैल्शियम, आयरन और थोड़ा सा फ्लैक्स सीड, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा यदि किसी को मिल जाए तो ड्राई फ्रूट और अंकुरित ले लें, इससे ओमेगा की कमी नहीं रहती। फ्लैक्स सीड तो ओमेगा 3679 के लिए फ्लैक्स सीड, और सीबक थोन हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। अब देखो, कमर में दर्द है तो ऐसे नहीं उठाना, गर्दन में दर्द है तो ऐसे नहीं उठाना, और खाली कमर में दर्द है बस ऐसे दबा लें, ऐसे ऐसे दबा के रखें आधा मिनट तक ऐसे। ये अर्ध पवन मुक्तासन इसको बोलते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से आराम आराम से करना। बैठने का बोझ सीधा होना चाहिए, खड़े रहते समय दोनों पैरों पर बराबर बल देना चाहिए, कुछ एक पैर पर खड़े रहते हैं, लेटते समय उल्टा लेटते हैं, सीधा लेटते हैं तो ठीक तरह से नहीं लेटते। तो देखो, उल्टा सीधा लेटने का भी पोस्चर, सोने का पोस्चर भी बता देते हैं, जो लेटते सोते समय ऐसे ऐसे सोते हैं या ऐसे सोते हैं, इस तरह से सोते हैं, ये सब गलत पोस्चर है, ऐसे नहीं सोना चाहिए, सीधा ही सोना चाहिए, सीधा ही बैठना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, एक एक पैर को उठाएंगे, बैठने का पोस्चर ठीक रहे, ज़्यादा वजन ना उठाएं, और बहुत ज़्यादा भोग वासनात्मक विचारों में ना जिए, बहुत ज़्यादा तीखा तलावा ना खाएं, और दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाइए तो मना ही कर रहे हैं हम, एक एक पैर को ऐसे उठाएं, तो ये बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। आराम आराम से पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। अब कुछ लोग इसमें आगे पीछे वजन भी खूब लटकाते हैं, फिजियोथेरेपी में अलग अलग तरह से कुछ और दूसरे उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन वो सबसे बेस्ट नेचुरल तरीका है, आप पोस्चर्स करो, इसमें कोई दूसरा आलंबन नहीं है, हम अपने सहारे से अपने आप को हम उभारते हैं। तो ये एक तो यह अभ्यास है, जिससे यह ना हो पाए तो देखो, कुल्ले जमीन पर और सिर जमीन पर, कमर पूरी उठ गई,
कुल्ले जमीन पर है, सिर जमीन पर है और कमर पूरी उठ गई और इसको नीचे दबा दिया। देखने में हल्का सा लग रहा है, अब देखो कमर पूरी दब गई और अब पूरी उठ जाएगी। देखो ऐसे ऐसे, अब इसमें हाथ ऐसे रख लें और ऐसे कमर को पूरा उठा दिया। कुल्ले जमीन पर, सिर जमीन पर, इसको कट्युत्तानासन कहते हैं। ऐसे वापस दबा दिया, ऐसे पूरी दबाई तो देखो पूरी कमर जमीन पर, उठाया तो पूरी कमर उठ गई ऐसे। और ऐसे एक एक अभ्यास को 5, 10, 20, 30 सेकंड तक ऐसे रोक करके रखें। पहले दिन तो 10 सेकंड से ज़्यादा ना होगा, धीरे धीरे करके फिर ये 20, 30, 50 बार तक एक एक आसन को करवाते हैं हम। और एक घंटा लगता है पूरा, एक घंटे में पूरी कमर अच्छी हो जाएगी। जैसे अभी हमने एक राउंड कर लिया सभी आसनों का, दूसरा राउंड करना है तो फिर ऐसे दूसरा राउंड शुरू कर दिया ऐसे कि एक राउंड किया, फिर 2, 3, 5, 10 राउंड तक करवाते हम जरूरत पड़ने पर एक एक आसन के। और आराम आराम से एक एक आसन को ऐसे करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। एक पोस्चर में जब ऐसे थोड़ी देर लगा ठहरते हैं ना, तो उससे आसन के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे ठीक करते हैं हम रीढ़ की हड्डी को, हम ऑस्टियोब्लास्ट है, सोसोक्लास्ट है, सोसोब्लास्ट है उसको बोलते हैं, जो हड्डियों के नए सेल बनने की प्रक्रिया है जी। ऑस्टियोब्लास्ट है, सोसोक्लास्ट है, पुराने सेल्स जो है वो ये हमारे सेल्स के अंदर पूरी प्रक्रिया होती है बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन की। फिर हड्डियों का मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करते हैं, मसल्स की ट्यूनिंग ठीक करते हैं। और मूलाधार से सहस्रार तक, मैं कह रहा था ना बस्ती, जो नीचे से एनिमा का बड़ा रूप बस्ती होता है उसको दे करके ठीक करते हैं। ये सारे उपाय अपनाते हैं। स्वामी जी एक और उपाय के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे करके फिर थोड़ी देर शवासन किया, फिर दूसरा तीसरा राउंड जी। स्वामी जी स्पाइन की जो समस्या होती है उससे कई बार लोगों में पैरालिसिस की समस्या पैदा हो जाती है, क्या इसको योग के जरिए रिवर्स किया जा सकता है? जरूर, स्पाइन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो पहले तो सियाटिका, फिर उसको लंगड़ी बाई कहते हैं, सियाटिका को गृध्रस्थी संस्कृत में बोलते हैं। और बाद में किसी किसी का तो पैर एक एक इंच, डेढ़ डेढ़ दो दो इंच छोटा पड़ जाता है, लंगड़े हो जाते हैं। ये कमर दर्द वाली तुम इधर आना बहन, हाँ हीरा से अगली, हाँ। ये अब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए तो देखो, एक तो भस्त्रिका आराम आराम से करना, कपाल भाती धीरे करना है, सर्वाइकल स्पोनाइटिस में, सिरबिटिस सियाटिका, ऑन्कोलॉजिक स्पोनाइटिस में, एक बात ध्यान रखना। तो प्राणायाम से पूरा ये दूर होता है, भस्त्रिका कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम उनको ज़्यादा करना है जिनको पैरालिसिस जैसी स्थिति होगी, उनको भी हमने उभारा है। तुमको क्या हुआ था बेटा? सर मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क सर्वाइकल और माइग्रेन है। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और फिर माइग्रेन। हाँ जी सर। कितनी उम्र है? सर मेरी 36 उम्र। 36 उम्र है। और कब हुआ था इधर? सर मेरे को 7 साल हो चुके हैं। 7 साल से 30 साल की 29 साल की उम्र में घेर लिया। 36 साल, ये बीमारी जब हुई। हाँ जी सर। फिर क्या हुआ, हाल हुआ, आगे आ जाओ। सर मैं इतनी हताश हो चुकी थी अभी कि अब मन करता था कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं, क्योंकि सारा दिन सर दर्द, गर्दन और कमर बहुत ज्यादा परेशान। इतना दर्द था, इतना असह्य दर्द हो गया कि सुसाइडल अटेम्प्ट करने की इसने सोच ली थी। क्या नाम है सर? ज्योति। ज्योति, ज्योति ने अपने अपनी ज्योति बुझाने की सोच ली थी। अब क्या हाल है सर? अब ठीक है, काफी आराम है सर मेरे को। अब क्या लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, अब लगता है जीना चाहिए। हाँ जी। तो ज्योति के लिए ताली बजा दो भाई। वही तो हमने शुरुआत में बोला साहिर लुधियानवी का शेर, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, और यही सीखने की जरूरत है और यही स्वामी रामदेव हर रोज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। स्वामी जी कुछ सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरुआत कर लेते हैं। मोहित मेनारिया है वो सवाल पूछ रहे हैं जी। दादी की उम्र उनकी 80 साल है और उनकी लोअर बैक की नस दब गई है, उन्हें क्या करना चाहिए? ये जो आसन बताए मीनाक्षी बहन, ये तो सब करें, पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रेट खाने के बाद ले ले, और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहे तो दूध में हल्दी और शिलाजीत भी ले ले, त्रोदशांग गूगल भी खा ले। अब देखो, तुम इधर आओ बेटे, देखो लोअर बैक में पेन है तो आज मैं बहुत गंभीरता से कपाल भाती अनुलोम विलोम, तो आप सब कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो, इधर मुंह कर लो मेरी तरफ कर लो और कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो। अब देखो मैं ये 5 पॉइंट यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ऊपर तक
अब ये गर्दन से यहाँ का दर्द है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो दर्द है, तो इसको यहाँ से दबाया, ये उसकी दादी के साथ साथ सबके दादा दादी नाना नानी सब सुखी हो जाएंगे, ऐसे दोनों तरफ से इसको ऐसे दबाना अंगूठे को पूरा ऊपर तक, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ जरा, और इसको बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूँ। फिर ऐसे ये इस अंगुली के मूल से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके, थोड़ा तेरे को दर्द होगा यहाँ है ना, यहाँ ऐसे, यहाँ से लेकर के और पूरी अंगुली के दोनों तरफ दबाना, ऐसे पूरी अंगुली के दोनों तरफ, और फिर इसके मूल में भी दबाना, इसके मूल में भी ऐसे। ये खास पॉइंट है, ये किसी किताब में लिखे नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है। फिर ऐसे ही ये अंगुली के दोनों तरफ, और फिर इसके पीछे, पीछे का चैनल भी, यहाँ से शुरू करके जहाँ से दो हड्डी शुरू होती है वहाँ से शुरू करके और आगे तक दोनों तरफ, इधर से भी ऐसे दोनों तरफ से ऐसे आराम आराम से होले होले ऐसे, फिर दर्द ऐसे ऐसे ठीक होता जाएगा यहाँ तक, फिर ये पूरा ऐसे यहाँ ऐसे इसके मूल में भी, और ऐसे ही यहाँ से भी, और फिर यहाँ तक भी, और इस रिंग फिंगर के पीछे तो मैंने कई बार बताया हुआ है, यहाँ से पैन ले करके और ऐसे कर ले, तेरे दर्द होगा यहाँ है ना, ज्योति जो है उसके अंदर से ज्योति जागृत हो रही है। तो ये ऐसे इसके पीछे से बीच का जो पोरवा है, ये जो बीच वाला पोरवा, इसके दोनों तरफ से यहाँ से दबाना होता है, इसको हाथ से भी दबा सकते हैं, हमारा तो अभ्यास है ना, इसलिए इसको अंगूठे से ऐसे ही दबा देते हैं, इसमें दर्द होगा आपको थोड़ा, ऐसे ऐसे। ये सेम पॉइंट पैर में है जी, पैर में ये यहाँ से शुरू करके और आगे तक पूरे टोप तक जाना है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताते रहें ऐसे, ये ऐसे। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो लाखों करोड़ों दर्शक आपको लगातार देखते रहते हैं, अगला सवाल ले लो, वो बहुत उम्मीदों के साथ ये सवाल भेजते हैं और उपाय जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी, राजेश कुमार का सवाल है, उनकी माता जी की उम्र 69 साल है, रीढ़ की हड्डी के लास्ट बॉल खिसक गया है, उन्हें क्या करना चाहिए? अब देखो, ये जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है ये तो करना ही है, यहाँ से लेकर के ये जो सारे पॉइंट हैं हाथ में पैर में सेम सारे पॉइंट दबाएं, इसके साथ साथ जो आसन बताए थे वो आसन करें, और फिर कपाल भाती धीरे धीरे, जोर से ना करें, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इससे तो गद्दी खिसक जाएगी, ऐसे धीरे करें, अनुलोम विलोम करो, और उनको खाली पेट गिलोय घनवटी, खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल और लाक्षादि गुग्गल और दे दे। तो खाली पेट गिलोय घनवटी, खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, लाक्षादि गुग्गल दे देंगे, दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजी दे दें। तो उनकी माँ एक सप्ताह से लेकर के मैक्सिमम एक महीने में अच्छी हो जाएंगी, और थोड़े थोड़े आसन जो आज हमने बताए थे, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन आदि जितना कर पाए उतना जरूर करें। स्वामी जी, हम आयुर्वेदिक थेरेपी के बारे में, खान पान के बारे में भी आपसे जानेंगे, इसमें सुरंजान और अश्वगंधा मिला दे तो और फायदा होगा जी। मैं ये जानना चाहती स्वामी जी, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि उनकी स्पाइन में इतनी दिक्कत है, इतना दर्द है कि वो बैठ भी नहीं पाते, तो क्या जो आप अनुलोम विलोम सिखाते हैं वो लेटे लेटे किया जा सकता है? हाँ, लेटे लेटे ऐसे आराम से कर सकते हैं, आराम से ऐसे लेटे लेटे करके ही हमने ऐसे थोड़ा हाथ से सहारा दे करके अथवा तकिया लगा करके इसके बाएं ओर से ईड़ा दाएं ओर से पिंगला, रीढ़ की हड्डी के मूल से मूलाधार से शुरू होती है, बाएं ओर से ईड़ा दाएं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना निकलती है, इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। और जिसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में टेलबोन बोलते हैं उसके ऊपर पेन हो रहा है ना, उठते समय से बाई कर वक्त लेते होते हैं, उसमें ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा देते हैं, ये पीड़ांतक स्प्रे लगा देते हैं, या पीड़ांतक तेल है इससे मालिश कर देते हैं, ये उसकी कमर के ऊपर ऐसे ही ऐसे छिड़क देते हैं। हमारा एक डॉक्टर कनक है यहाँ, उसको ही एक दिन चोट लग गई टेलबोन, इतना दर्द हो ये ऐसे ऐसे बड़ा
लगाते ही रिलैक्स हो जाता है। अब जैसे इसको गर्दन में दर्द दे रहा हो तो इसको गर्दन में ऐसे ही लगा दिया जी। ऐसे ही स्वामी जी, आपने तो स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने में आयुर्वेदिक थेरेपी और योग के साथ करके सारी चीजें बता दी, लेकिन खाना पीना भी तो बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे में रीढ़ की हड्डी को ध्यान में रखते हुए आज पाक शास्त्र में आप क्या खास बताएंगे? तो आज का पाक शास्त्र भी बताएंगे, और ये जहाँ भी दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो पीड़ा तो ऑइंटमेंट लगा करके बाद में इसके ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं, कोई भी कॉटन का कपड़ा या गर्म कपड़ा जैसे हो ऐसे लपेट लगा करके छोड़ देते हैं। और साथ साथ खाने पीने में भी ध्यान दें। चलो खान पान भी बता देते हैं, तो रोज का ही काम है हमारा। तुम लोग कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो, और आज का जो कार्यक्रम है देखो, ये हम अभी बता रहे हैं, ये 5 मिनट का जादू है। रागी का आटा लिया हमने, और जी रागी का आटा लेकर के, और उससे आज हम आपको रागी की इडली बता रहे हैं। लोग चावल की इडली तो बहुत खाते हैं, और चावल की इडली आजकल लोगों को, चावल वात कारक होता है और रागी वात नाशक होती है। तो ये 5 मिनट के अंदर ये जादू होने वाला है, और ये बनने वाली है रागी की जो है इडली बन जाएगी। और ये जो है गाय का घी थोड़ा सा डाल दिया, और इससे रागी का जो है ये पूरा बना देते हैं, हल्का सा इसको बस कर दिया काम, और ये तैयार हो जाएगा रागी का उपमा बोलते हैं, डोसा बोलते हैं, ये जबरदस्त तैयार हो जाता है। ये तो बहुत टेस्टी भी है मुझे लगता है, और हेल्दी भी है, दोनों चीज एक साथ, और बहुत खुशी मिलती है कि आंखें खुलते ही सामने प्लेट में सजा हुआ ये खाना हमें मिल जाता है। लेकिन बिना से आपको स्क्रीन पर ही नजर आएगा, वास्तव में तो नहीं है। हाँ, इंस्टेंट डोसा हो जाएगा। स्वामी जी, आप ये इंस्टेंट डोसा बनाएं, तब तक हम ये बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास आप हमें सिखाने वाले हैं। कल स्वामी रामदेव हमें सिखाएंगे लाइफ में अगर थोड़ी सी नाकामी पर लोग हार और निराशा महसूस करते हैं तो जिंदगी की जंग आप ना हारें। पहले अहमदाबाद की आयशा और अब रेसलर रितिका ने क्यों छोड़ी दुनिया, डिप्रेशन एंग्जाइटी से करोड़ों लोग हैं परेशान। स्वामी रामदेव हमें सिखाएंगे लाइफ में नेगेटिव इमोशन पर कैसे पाए काबू, योग में क्या है लाइफ सेविंग समाधान। जी स्वामी जी, तो देखो इधर तो हमारा ये चल ही रहा है, डोसा चल रहा है, इंस्टेंट डोसा तैयार हो रहा है रागी का, और इधर जो है अब 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ये एकदम फर्स्ट क्लास ये तैयार हो गई। वाह, आपको इधर भी ये देखो, इधर भी तैयार और इधर ये डोसा भी तैयार। तो रागी का डोसा खाएं, इससे अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं जी, क्योंकि चावल और गेहूं ये ज्यादा मात्रा में खाने से लोगों को डायबिटीज, वात रोग और तमाम तरह के रोग बढ़ रहे हैं। आज उसके निवृत्ति के लिए हमने ये इंस्टेंट डोसा और इडली का, और ये भी रागी के आटे से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, कि हेल्थ का भी ख्याल, आज का विशेष पाक शास्त्र अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए सर्वकस मलाटिस पे जी, तो स्वाद भी है, सेहत भी है, और यही स्वामी रामदेव जी के किचन से हमें सीखने को भी मिलता है, पाक शास्त्र से सीखने को मिलता है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। खूब बढ़िया डोसा तैयार हो गया है, अब आपके लिए भेज नहीं पाएंगे दिल्ली दूर। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए बंगाल बीजेपी में क्यों मचा है घमासान।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।